क्या आप भी अपनी मशीन से बहुत परेशान हैं? क्या आप भी मशीन बहुत धीमे चलती है, कपड़े डालते ही आपकी मशीन रुक जाती है, और कई बार होता है जो कपड़े कभी तेज़ चलते हैं कभी धीमे चलते हैं? तो इस तरह की सारी परेशानी आज आपकी दूर हो जाएगी, वो हो भी बिना किसी खर्च पैसे किए। ठीक है, तो बिना पैसे खर्च किए आपकी मशीन की स्पीड जो है जो चल रही है उसे डबल हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं जो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अच्छे से पूरी चीज़ समझ में आ सके। और अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे मैंने वॉशिंग मशीन रिलेटेड बस बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखें, उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो कि हर व्यक्ति जो है परेशान रहता है। इसके लिए सिंपली आपको दोस्तों मशीन के बैक साइड में आ जाना है, उसके बाद सिंपली आपको इस तरह का जो है बैक कवर पीछे की तरफ मिलेगा। ये आपकी मशीन में बैक कवर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी में 4 स्क्रू, किसी में 6 स्क्रू, किसी में 8 स्क्रू हो सकते हैं। सिंपली आपको जो बैक कवर खोलना है। ठीक दोस्तों, बैक कवर खोलने के बाद सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कुछ वायर्स, कुछ डोरी, कुछ मतलब इस तरह का कुछ ऐसा का कुछ जो है जंजाल आपको नज़र आएगा। ठीक, तो ये इस तरफ जो है एक स्पिन मोटर है जो कि सुखाने वाली, कपड़े सुखाने वाली, और इस तरफ एक ये वॉश मोटर है जो कि जो है बेल्ट के थ्रू जो है मोटर घूम रही है। आपको बहुत ही सावधानी से ये जो काम करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों मैं आपको एक बार मशीन जो है हाथ लगा कर चेक करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारी जो मशीन घूम रही है, सिंपली आपको आवाज़ आ रही है। जैसे मैं इसको देखिए हाथ लगा तो मशीन रुक रही है। ठीक दोस्तों, जैसे ही मशीन को रोकता हूँ तो मशीन रुक जाती है और मशीन कपड़े डालने पर और ज़्यादा रुक जाती है। और सिंपली दोस्तों मैं जब भी मशीन पर हाथ लगाता हूँ तो मशीन देखिए मोटर चल रही है, लेकिन जो हमारी आगे वाली जो है वो आगे वाली वाइट कलर की जो गेयर बॉक्स की पुल्ली है वो नहीं चल रही है। मोटर बराबर चल रही है लेकिन जो है पुली नहीं चल रही। जैसे ही हम कपड़े और कुछ वजन कपड़े पानी डाल देते हैं तो मशीन जो हमारी पूरी रुक जाती है या धीमे चलती है, वो यही कारण होता है। इससे जो है वजन आने पर, लोड आने पर हमारी मोटर तो चलती है, घूम घूम के आवाज़ आती है, लेकिन हमारी जो है ये ऊपर वाला पल्सेटर, ये हमारा जो चक्रा होता है वो नहीं चलता है। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। सिंपली आपको दोस्तों मैं बता दूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपकी मशीन को पिन निकाल लेना है। उसके बाद सिंपली आपको जो ब्लैक कलर की जो बेल्ट नज़र आ रही है उसको आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक, तो आपको अंगूठे से दबाना है और आगे की तरफ धकेलना है, आपकी जो रिंग होती है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सिंपली आपको जो है बेल्ट को बाहर निकालना है। बेल्ट को निकालने के बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जो हिस्सा देखिए, कुछ चौड़ा हिस्सा आपको नज़र आएगा, जो ऊपर की तरफ जो नज़र है ये चौड़ा हिस्सा है और अंदर की थोड़ा कम चौड़ा हिस्सा है, मतलब थोड़ा छोटा हिस्सा है। दोस्तों सिंपली आपको जो है उसको उल्टा कर देना है। इस तरह से आपको सिंपली ये जो सरफेस है घुमा देना है, चौड़ा मुँह अंदर की तरफ लेना है और छोटा वाला मुँह बाहर की तरफ लेना है। इस तरीके से सिंपली आपको जो ट्रिक यूज़ करनी है, ये चौड़ा मुँह अंदर की तरफ लेना है और पतला वाला मुँह वो जो है वापस बाहर की तरफ कर देना, उल्टा घुमाना है, रिंग को उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमाने के बाद सिंपली आपको जो ये रिंग वापस जो है अंदर की तरफ लगाना है। लगाने के लिए सिंपली आपको जो है ये जो है आपको मोटर की जो पुल्ली जो दिख रही, जहाँ पर मैं रिंग लगा रहा हूँ वहाँ पर सबसे पहले आपको जो है रिंग को वापस इसके ऊपर लगाना है। ठीक दोस्तों, इसके ऊपर लगाने के बाद सिंपली आपको जो है हल्के हल्के हाथों से ये पहले आपको इस तरह से जो है अंगूठा लगाना है और आपको सिंपली आगे की तरफ धक्का देना है। ऐसे धीरे धीरे इस तरह से आपको जो है धक्का देंगे तो आपकी मशीन की जो है बेल्ट ऊपर वापस मशीन में प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाएगी। इस तरह से बस आपको जो है मशीन को वापस चालू करना है। और चालू करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको मैं जो बताता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ लग देगा आपको मशीन स्पीड डबल हो चुकी है और हाथ रख रहा हूँ तो मशीन हमारी रुक भी नहीं रही है। इस तरह से आप बिना पैसे खर्च किए आपकी मशीन की स्पीड जो है डबल कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का खर्चा नहीं है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।